तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि फायरवॉल क्या होता है। यहाँ पर तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है यहाँ पर, और एक ऐसा यहाँ पर एक बिल यहाँ पर टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पर। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि फायरवॉल क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फायरवॉल सिक्योरिटी देता है यहाँ पर, और ये सिक्योरिटी दोनों तरफ की होती है यहाँ पर, सॉफ्टवेयर बेस भी यहाँ पर और डिवाइस बेस पर भी। तो यहाँ पर फायरवॉल जो होता है यहाँ पर सेफ करता है हमारा डेटा, सिक्योरिटी देता है हमारे नेटवर्क को, सिस्टम को, इंटरनेट को, पर्सनल सर्वर को भी। तो ये जो हमारा फायरवॉल होता है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर काम करता है। तो फायरवॉल के मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो तरह के फायरवॉल के टाइप होते हैं। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है यहाँ पर, जो हमारे लोकल कंप्यूटर हो या विंडो 7 हो या विंडो 8 हो या विंडो 8.1 हो या विंडो XP हो या विंडो 10 हो या विंडो सर्वर 2008 या विंडो सर्वर 2008 रिलीज 2 या विंडो सर्वर बहुत सारे यहाँ पर आपको लिनक्स के अंदर भी फायरवॉल इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है। लेकिन दूसरी टाइप का जो फायरवॉल होता है वो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है, उसको आपको परचेस करना पड़ता है यहाँ पर, और ये काम करता है पूरे नेटवर्क के साथ यहाँ पर, इंटरनेट के साथ, सर्वर के ऊपर और हर एक हमारे नेटवर्क डिवाइस के ऊपर। तो देख सकते हैं आप इस तरह से पिक्चर में, यही हमारा हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक है कि पिछली वीडियो देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखें। तो आज हम और भी यहाँ पर फायरवॉल के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फायरवॉल जो है वो बेसिकली सेटिंग्स के भी ऊपर काम करता है, साथ ही साथ अलग अलग यहाँ पर और भी यहाँ पर एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, नेटवर्क की यहाँ पर सिस्टम हो, इसके भी अंदर काम करता है। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर रूल्स होते हैं, यहाँ पर रूल्स क्या होते हैं कि जब भी हमारा फायरवॉल होता है, वो फायरवॉल यहाँ पर एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है नेटवर्क के ऊपर, तो हम उसके अंदर रूल्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो जब भी यहाँ पर रूल जब हम क्रिएट करते हैं, तो रूल क्या होते हैं, वो एक तरह का यहाँ पर कि मान लो कि मुझे कोई भी कंपनी के अंदर मुझे ऐसा रूल सेट करना है, कोई भी हमारा इंटरनेट यूज़ करना चाहे तो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करे। जैसे वो इंटरनेट यूज़र नेम और पासवर्ड सही तरह से एंटर भी करता है, तो मेन जो यहाँ पर सर्वर इंजीनियर होता है उससे परमिशन मांगे यहाँ पर। तो ये जो एक रूल होता है यहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग रूल होते हैं, तो वो रूल किस नेटवर्क के ऊपर काम करता है, इनबाउंड नेटवर्क और आउटबाउंड नेटवर्क। तो हम इनबाउंड नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनबाउंड नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क होता है कि बाहर की तरफ से जो डेटा, जो सिग्नल, जो यहाँ पर डेटा जो होते हैं वो हमारे इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर के हमारे नेटवर्क के अंदर आता है, तो इसको कहते हैं इनबाउंड। मतलब बाहर से जो डेटा हमारे अंदर आते हैं उसको कहते हैं इनबाउंड नेटवर्क कहते हैं, और जो हमारे अंदर से बाहर की तरफ जो डेटा जाते हैं उसको आउटबाउंड नेटवर्क कहते हैं। तो हमारे इंटरनेट के अंदर जो भी हमारे अलग अलग यहाँ पर इनबाउंड आउटबाउंड के ऊपर ही काम करता है, और बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क के ऊपर ये काम करता है। तो आउटबाउंड का काम यही होता है कि जो भी हम जो यहाँ पर कोई भी डेटा को शेयर करते हैं, या तो हम सेंड करते हैं, या तो कोई भी हम कुछ ढूंढते हैं, तो वो आउटबाउंड होता है। मतलब हमारा सिग्नल कंप्यूटर का हमारे नेटवर्क में से बाहर की तरफ जाता है, तो आउटबाउंड नेटवर्क होता है यहाँ पर। तो जैसे कि इसको समझाने के लिए मैं इनबाउंड नेटवर्क समझा रहा हूँ। मान लो कि मेरे कंपनी में बहुत सारे यहाँ पर 4-5 या तो फिर 500-600 यहाँ पर मशीन से कंप्यूटर से, और यहाँ पर कोई भी मेरा कंपनी हमारे दूसरे सर्वर के साथ या तो फिर दूसरे कंप्यूटर के इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर हमारे नेटवर्क के अंदर वो यहाँ पर सेंड होता है या तो फिर रिसीव करता है डेटा, तो जो हमारे अंदर डेटा आ रहा है यहाँ पर, जो हमारे अंदर सिग्नल आ रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर, उसको कहते हैं इनबाउंड। और जब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर हमारे नेटवर्क में से बाहर की तरफ हम कोई डेटा भेजते हैं या तो फिर सिग्नल जाता है या तो फिर कोई भी हम डेटा को सेंड करते हैं, उसको कहते हैं आउटबाउंड नेटवर्क। तो यहाँ पर फायरवॉल का
काम होता है कि हर नेटवर्क के ऊपर इसके रूल्स के थ्रू यहाँ पर ये फायरवॉल सिक्योरिटी देता है। यहाँ पर तो देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी हमारे रूल्स होते हैं वो क्यों क्रिएट करते हैं कि फायर नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए। कंप्यूटर को जब हम नेटवर्क शेयर करते हैं डेटा को दूसरे इंटरनेट के सर्वर के ऊपर, तो जो हमारा सिस्टम जो होता है वो कनेक्शन जो होता है वो इंटरनेट के साथ और हमारे सर्वर के साथ, दूसरे यहाँ पर सर्वर के साथ हमारा नेटवर्क सेफ रहे, सिक्योरिटी जो है दोनों तरफ यहाँ पर बनी रहे, इनबाउंड नेटवर्क आउटबाउंड नेटवर्क, और दूसरा जो है हमारा कंपनी के नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए तो यहाँ पर इंट्रानेट होता है। यहाँ पर इंट्रानेट उसे कहते हैं कि जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको इंट्रानेट करते हैं। बहुत टाइप के अलग अलग नेटवर्क होते हैं, लैन वैन हैंड कैन पैन, वो हम नेटवर्क के सीरीज के अंदर पड़ेंगे। तो बेसिकली जो होता है यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम रूल, जब रूल क्रिएट होते हैं यहाँ पर तभी वो इनबाउंड आउटबाउंड के ऊपर ही रूल हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल के बारे में और हम जानते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल किस तरह से होता है कि यहाँ पर एक ऐसा कंप्यूटर की तरह ही यहाँ पर सेटअप होता है यहाँ पर। तो उसको हम हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल को किस तरह से हम उसको सेटअप करें, तो अभी तो मैं डेमो बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ वीडियो में आपको मैं पर्सनली बताऊंगा किस तरह से उसको सेट करना है। तो इसका सेटअप जो होता है इसको सेट करना इस तरह से होता है, देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर एक डिवाइस है, अब दो डिवाइस, तो ये दो डिवाइस है वो फायरवॉल है, तो इसमें से कोई भी एक आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का आपको फायरवॉल होना चाहिए। साथ ही साथ RJ45 का ये केबल होता है यहाँ पर, जिसका एक पार्ट जो होता है फायरवॉल के अंदर जाएगा और दूसरा पार्ट जो होता है वो सीधा हमारे स्विच के अंदर जाएगा। तो RJ45 CAT6 केबल लो तो अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि मैं ये बताता हूँ यहाँ पर और भी अच्छी तरह से। और यहाँ पर ये नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है हमारे, और ये स्ट्रेट थ्रू केबल होता है यहाँ पर, कौन से टाइप का होता है स्ट्रेट थ्रू केबल, तो क्रॉस केबल भी होता है, स्ट्रेट थ्रू केबल होता है, और यहाँ पर कंसोल केबल भी होता है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल लेना है हमें, और यहाँ पर हमें राउटर को भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करवा सकते हो यहाँ पर। फिर हमें चाहिए एक यहाँ पर मेन नेटवर्क स्विच चाहिए होती है, स्विच क्या होती है वो भी मैं नेटवर्क के अंदर डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पर। तो नेटवर्क जो होता है सेंट्रल डिवाइस कहा जाता है उसको, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके स्विच भी एक साथ कनेक्ट होती है यहाँ पर, लेकिन जो मेन स्विच होती है वो सेंट्रलाइज स्विच जो होती है, यहाँ पर अलग अलग स्विच होती है, सिस्को की स्विच अलग है यहाँ पर, पैक यहाँ पर और भी डी लिंक भी अलग अलग स्विच होती है यहाँ पर नेटवर्क की। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क स्विच के बारे में, तो जब नेटवर्क जो होता है वो हमारे मेन नेटवर्क की स्विच के साथ कनेक्ट होता है और उस स्विच के साथ कनेक्ट होता है फायरवॉल राउटर और यहाँ पर सर्वर, बहुत सारे हमारे सर्वर जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो मेन स्विच के अंदर कौन कौन से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, ये सर्वर भी कनेक्ट होते हैं उस मेन के साथ, मेन स्विच के साथ, साथ ही साथ उसके कुछ कंप्यूटर भी कनेक्ट होते हैं उसके साथ, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी स्विचेस भी यहाँ पर, एक स्विच हो सकता है कि एक स्विच दूसरे स्विच के साथ भी कनेक्ट हो, और हो भी सकता है कि फाइबर ऑप्टिक स्विच भी उसके साथ कनेक्ट हो, जैसा इन्वायरमेंट जो नेटवर्क इंजीनियर तय करते हैं उनकी तरह से ये सेट होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के किस तरह से यहाँ पर नेटवर्क को वर्क करना होता है यहाँ पर। अगर आपको ये सेटअप समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ यहाँ पर। मान लो कि ये जो है हमारा एक यहाँ पर राउटर होता है, ओके, तो राउटर जो अलग अलग होता है उसके साथ हमारा फायरवॉल होता है यहाँ पर, और फायरवॉल यहाँ पर स्विच के साथ कनेक्ट होता है। तो फायरवॉल हो सकता है कि एक स्विच दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ सर्वर भी कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, और फिर उसके साथ कंप्यूटर भी कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं नेटवर्क के अंदर और भी अच्छी तरह से समझाऊंगा। फिर हमारा स्विच के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पर फायरवॉल के, फायरवॉल के थ्रू जो इंटरनेट आता है उसी तरह से यहाँ पर दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्शन सेट होता है यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर इसी तरह से हमारा नेटवर्क जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमारा डिफरेंस, किस तरह से यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर। तो डिफरेंस जो होता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर में और सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर में, दोनों के अंदर बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड क्या कर सकता है
और हार्डवेयर बेस क्या कर सकता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है। यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर बेस होता है वो ओएस के साथ इनबिल्ड होता है यहाँ पर। तो जब तक आप अपने सिस्टम स्टार्ट नहीं करोगे तब तक सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन स्पेशल आपने हार्डवेयर लिया है यहाँ पर फायरवॉल को, तो उस तरह से इसके साथ कोई भी कंडीशन जोड़ी नहीं होती है। उसको उसको सिर्फ पावर और नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पर। ओके, और जो भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा होगा वो वही सेम होगा यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है कि यहाँ पर फायरवॉल जो होता है यहाँ पर विंडो, लिनक्स, मैक के अंदर अलग अलग तरह की फायरवॉल होता है, लेकिन काम एक ही होता है सिक्योरिटी देना। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे यहाँ पर हार्डवेयर की बात करूँ तो यहाँ पर पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम काम करेगा, पूरे नेटवर्क डिवाइस के लिए सेम काम करेगा जब तक उसके अंदर कोई चेंजिंग ना तक उसके अंदर चेंजिंग ना की जाए तब तक। तीसरा सिस्टम जो है यहाँ पर कंप्यूटर जो हम स्टार्ट करता है तभी हमारा फायरवॉल जो यहाँ पर स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर बेस के अंदर, जबकि हार्डवेयर बेस के अंदर यहाँ पर स्टार्ट होता ही है कंटिन्यू, जब तक नेटवर्क हमारा चालू है जब तक उसको पावर मिलती रहेगी तब तक वो यहाँ पर चलता रहेगा। तो स्विच के साथ जो यूपीएस होता है यहाँ पर उसी तरह से फायरवॉल के साथ भी यूपीएस और सर्वर के साथ यूपीएस होता है। यूपीएस क्या होता है वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। ओके, तो जब तक उसको पावर मिलता रहेगा, जब तक उस नेटवर्क के साथ जुड़ा है तब तक वो चलता रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर चौथा है लिमिट वर्क करता है यहाँ पर। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है वो इसकी लिमिट होती है, लिमिट के साथ ही वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पर हार्डवेयर बेस के अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती यहाँ पर, वो डिपेंड करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। जो नेटवर्क इंजीनियर होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको सेट करना है, किस तरह से उसको काम करना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर बेस के अंदर, तो वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को अनसपोर्ट करता है। ये जो है सिर्फ यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर बेस की बात करूँ तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जुड़ा रहने के कारण वो एंड्रॉयड को या तो मोबाइल को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है वो कंप्यूटर, मोबाइल, एंड्रॉयड और सर्व डिवाइस के ऊपर ये काम करता है। फिर बात आती है यहाँ पर एक पीसी के ऊपर ही उसका एक ही पीसी का कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर। लेकिन हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होगा वो हर एक पीसी के लिए, सर्वर के लिए, वो नेटवर्क सर्वर जो होता है यहाँ पर, राउटर के लिए, नेटवर्क डिवाइस के लिए यहाँ पर होता है यहाँ पर। ओके, तो हर एक पीसी के लिए, सर्वर के लिए, राउटर के लिए ये जो है काम करेगा। बात आती है प्रोटोकॉल किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर फायरवॉल के अंदर। तो प्रोटोकॉल वर्क तो करेगा लेकिन वो फुल वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल जो होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि एप्पल है, एंड्रॉयड है, यहाँ पर मोबाइल है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर वो सपोर्ट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हार्डवेयर बेस की बात करूँ तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर किस तरह से वो सेट करता है। ओके, फिर यहाँ पर बात करते हैं कि वो सारे नेटवर्क के ऊपर काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल सभी नेटवर्क के ऊपर काम नहीं करेगा, ये पूरे सभी नेटवर्क के ऊपर काम करेगा हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, और वायरलेस और वाईफाई जैसे सिस्टम के ऊपर भी ये हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल काम करता है। फिर बात आता है रूल्स और लिमिट ऑफ नेटवर्क। तो ये जो सॉफ्टवेयर बेस के रूल्स होती है कुछ यहाँ पर लिमिट होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हार्डवेयर बेस की जो रूल्स क्रिएट होते हैं यहाँ पर वो आपके एनवायरनमेंट कैसा है, आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसा है, नेटवर्क किस तरह से क्रिएट करके रखा है, कौन सा नेटवर्क क्रिएट करके रखा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है रूल्स किस तरह से सेट करना होता है। बात करते हैं हम लिमिट कनेक्शन ब्लॉक की। तो ये जो कनेक्शन जो ब्लॉक करता है वो सिर्फ अपने सिस्टम के ऊपर ही करेगा, मतलब एक कंप्यूटर का फायरवॉल अपना ही फायरवॉल है, वो अपने पर ही ब्लॉक कर पाएगा कनेक्शन एक ही लिमिट के अंदर, वो लिमिट में ब्लॉक करेगा। बल्कि जब हार्डवेयर बेस की बात करूँ तो उसको फुल परमिशन होती है सारे नेटवर्क को बंद करने की। यहाँ पर कस्टम ब्लॉक भी कर सकता हो आप, किस पीसी को बंद करना है, किस पीसी को अलाउ करना है, सब कुछ ये कस्टम भी कर सकता है और फुल भी आप कर सकते हो। फिर बात आती है यहाँ पर प्रोग्राम, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रोग्राम हो, एप्लीकेशन, कनेक्शन हो, तो लिमिट करता है, उसी तरह से इसको प्रोग्राम बंद करना है, एप्लीकेशन बंद करनी है, कनेक्शन किसी का बंद करना है, तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है वो लिमिट में काम करता है। लेकिन हार्डवेयर बेस्ड फुल और कस्टम दोनों काम करता है यहाँ।
कस्टम का काम होता है कि आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो कौन से प्रोग्राम को बंद कर देना है, कौन से एप्लीकेशन को बंद करना है या अलाउ करना है, या पर कौन से कनेक्शन को यहाँ पर हमारे नेटवर्क के एनवायरनमेंट के अंदर बंद करना है। तो यहाँ पर इस तरह से होता है। तो हमारा जो वीडियो जो वो कौन से ऊपर काम करेगा, वो हम सॉफ्टवेयर बेस ही सीखेंगे अभी, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल आपको पर समझना होगा। तो छोटे से हम शुरुआत करेंगे, सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल से ही हमें हार्डवेयर बेस फायरवॉल हम सीखेंगे। तो हार्डवेयर बेस फायरवॉल के लिए मैं दूसरा और कुछ वीडियो लेकर आऊँगा कुछ वीडियो के बाद। तो अभी तो 4-5 वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल ही सीखेंगे यहाँ पर। ओके, तो सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल जब भी यहाँ पर हार्डवेयर बेस फायरवॉल होगा तो मैं पहले आपको बता दूंगा, कह दूंगा कि ये हार्डवेयर बेस फायरवॉल का वीडियो है, लेकिन अभी तो सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल ही हम सीखेंगे। ओके, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया सॉफ्टवेयर बेस और फायरवॉल और हार्डवेयर बेस फायरवॉल क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल की वीडियो स्टार्ट कर देंगे कि सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल किस तरह से होता है। तो आप पहली वीडियो देखने के बाद ही दूसरी वीडियो देखें और उसके बाद ही तीसरी वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चैनल पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।